डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां एक तरफ ताबड़तोड़ कमाई को लेकर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे फ्री में दिखाए जाने को लेकर निर्देशक ने गुस्सा जाहिर किया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने द कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया। मंत्री जी ने फिल्म को पार्क में दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन और भारी भरकम साउंड की तैयारी की है। उन्होंने फिल्म के पोस्टर से भी बड़ा खुद का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये जानकारी दी। इसे देखते ही द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने गुस्सा जाहिर किया। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी से ये पोस्टर सामने आया है। इसमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, युवा नेता मुकेश कापड़ीवास और अध्यक्ष केशव चौधरी बिट्टू की तस्वीर लगी है। नेता ने बताया कि 20 मार्च रविवार को शाम 6:30 बजे स्वर्ण जयंती पार्क मॉडल टाउन रेवाड़ी में वह LED बड़ी स्क्रीन पर फिल्म दिखाने जा रहे हैं। ये फिल्म वे फ्री में दिखाएंगे। इस पोस्ट को देखने के तुरंत बाद विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा, ये बेहद गलत है। द कश्मीर फाइल्स को खुले में इस तरह फ्री में दिखाना एक अपराध है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे तुरंत रोके। राजनीतिक नेताओं को रचनात्मक कारोबार और सच्चे राष्ट्रवाद का सम्मान करना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने नेताजी को समाज सेवा का मतलब भी समझाया और कहा कि असली समाज सेवा का मतलब है कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से टिकट खरीदे और फिल्म देखे। धड़ल्ले से यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने दे रहे हैं। एक यूजर्स ने तो मांग कर डाली कि PM केयर फंड्स के पैसों से इस फिल्म को सभी को दिखाई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।